11 बजे का समय हो रहा है और मौजूद हैं हम इनकम टैक्स चौराहे पर। चौराहे का जो तस्वीर है वो देखिए, 11 बजे से तमाम दुकानों को बंद करना है साफ तौर पर, और बेवजह नहीं घूमना है सड़कों पर। बिना मतलब के जो घूमेंगे उसको चालान काटा जाएगा। और आपको बता दें कि 11 बज चुके हैं, 11 बजे से तमाम जो दुकानें हैं उसको बंद करना है, और उसके बाद की बात जो हम कर ले कि किसी को बेवजह सड़कों पर नहीं निकलना है। अगर निकलेंगे तो पुलिस के द्वारा पूछताछ किया जाएगा। बेवजह लगातार जो कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है उसको देखते हुए सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है। और देखिए कहाँ गए हैं, तो जो भी लोग हैं अगर जो बाहर से आ रहे हैं उनको दिखाना पड़ेगा। देखिए अगर आप इस तरीके से आते हैं पुर्जा दिखाइएगा तो जाने की अनुमति मिलेगी, अन्यथा प्रशासन हर मोड़ पर खड़ी है, सवाल जवाब होंगे। बिना बेवजह घर से निकलना, जिस तरह से बात कर ले कि पिछले बार की लॉकडाउन की आपको याद होगी कि उस वक्त पुलिस किस तरीके से कुटाई करती थी या मारपीट होता था, और अभी भी वो तस्वीरें जो है वो इनकम टैक्स पर लगातार देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए कि बेवजह फिलहाल अभी गाड़ियों का जो माहौल है वो लगातार तेज़ी से चल रहा है, लेकिन बेवजह गाड़ी चलाना और सड़कों पर निकलना मुनासिब नहीं है, सवाल जवाब हो सकता है। देखिए ऑटो है, और जहानाबाद कल ज्वाइनिंग करने गए थे बिहार पुलिस का, तो वहीं से वो मतलब जैसे कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और हाइट ना पैकेज छोड़ दिया गया, लॉकडाउन करने लग गया, तो बोला कि फिर अब लॉकडाउन को जब नया गाइडलाइन आएगा। कहाँ से आ रहे हैं अभी? पटना रूम से आ रहा है सर, वहाँ से आया। जहानाबाद से कल आया तो रुक गए। तो जो कई तरह के एक्सक्यूजेज होते हैं तो अगर प्रशासन को लगेगा कि वाकई में ये चीज़ ज़रूरी है तो उस चीज़ों को छोड़ जाएगा। प्रशासन है हमारे पास, जिस तरह से हम उसे देखिए कि किस तरीके से जो लोग बेवजह निकलते हैं फाइन काट रहे हैं क्या? जी, फाइन है। कितने का फाइन है? 2000 का। 2000 का। तो जो बेवजह निकलेंगे उनको 2000 का चालान कटेगा। इनकम टैक्स पे सब्जी फल मंडी है उधर देखिए, उसको 11 बजे से बंद करना है। और आप देखिए कि 11 बज चुके हैं, इनकम टैक्स पर तमाम जो फल मंडी है उसको बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरह से कल सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था कि आज से लॉकडाउन होगा, 11 बजे तक सब्जी और फल आपको मिलेंगे, लेकिन उसके बाद तमाम दुकानें बंद रहेंगी। और फिलहाल अभी हम सड़कों पर मौजूद हैं और आप तक जो तस्वीरें हैं वो हम पहुँचा रहे हैं कि बेवजह सड़कों पर ना निकले, नहीं तो प्रशासन जो है वो सख्ती से पेश आ सकती है आपके साथ, और इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। और भी अपडेट्स देंगे बड़ा न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।